आप सभी को आज मैं आपको ड्राइविंग से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो काफ़ी टाइम से कार ड्राइव कर रहे हैं, उनकी हमेशा से क्वारी रही है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम कार के अंदर बैठे बिना टायर्स को देखे सिर्फ स्टेयरिंग व्हील की मदद से गाड़ी के टायर को सीधा कर सके। क्योंकि जब हम अपने पार्क की हुई कार को जल्दीबाजी में निकालने की कोशिश में गाड़ी के टायर देखना भूल जाते हैं और अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद हमें फिर से या तो गर्दन बाहर निकाल के देखना पड़ता है या तो फिर गाड़ी से उतर के टायर को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी डायरेक्शन पे टायर घूमे हुए रहते हैं तो मे बी गाड़ी के अगल बगल खड़ी कार से टकराने के चांसेस होते हैं, या तो पिलर्स होते हैं फ्लैट्स पे काफ़ी कम गैप में, 1 फीट से भी कम गैप में, तो उनसे भी कार लग सकती है। तो वही मेथड हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी कार का स्टीयरिंग व्हील कितने राउंड घूमता है, किसी भी लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट ये कितने बार घूमता है, तभी जाके हम ये मेथड यूज कर सकेंगे। तो जैसे अभी कार का स्टीयरिंग व्हील जो है इस साइड पे, मतलब टायर पूरे लेफ्ट साइड पे घूमे हुए, तो अब मैं इसको घुमाता हूँ तो एक आइडियल पोजिशन पे रुका रहता पूरी तरह से लेफ्ट होने के बाद भी ये इस तरह से आ जाएगा, राइट होगा तो भी इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ से मैं काउंट करता हूँ, तो ये सबसे पहला ये हाफ राउंड, ये एक, ये 1.5, ये 2, ये 2.5 और ये 3। मतलब ये अब पूरा राइट साइड पे टायर घूम चुका है जैसे आप देख सकते हैं। तो 3 राउंड कार का स्टीयरिंग व्हील घूमता है, मतलब ये हुआ कि किसी भी डायरेक्शन पे गाड़ी के टायर रहेंगे तो हम 1.5 राउंड वापस ओपोजिट साइड पे करेंगे तो गाड़ी का जो टायर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और आपको बाहर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि भी आप लोग देख सकते हैं कि टायर जो है पूरे राइट साइड पे घूमे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं बिना टायर को देखे स्टीयरिंग व्हील के जरिए ही उसी मेथड से कि कितने राउंड हमें घुमाना है ओपोजिट साइड पे स्ट्रेट करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि ये पूरी तरह से 3 राउंड घूमता है तो हमें सिर्फ 1.5 राउंड ओपोजिट साइड पे घुमाना पड़ेगा। तो ये है एक आइडियल पोजीशन, ऐसे आने के बाद ये खुद से आता है, तो अब 1.5 राउंड करना है। तो ये हाफ, ये हुआ 1 और ये 1.5। अब स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से एक आइडियल पोजीशन पे आ चुका है और शायद यह कंफर्म है कि टायर स्ट्रेट हो गए होंगे, जैसे आप लोग देखिए टायर पूरी तरह से स्ट्रेट है। तो ये मेथड है जिसके जरिए आप कार के अंदर बैठे बिना बाहर निकले या बिना गर्दन निकाले आप गाड़ी के टायर को सीधा कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन पे गाड़ी के टायर रहेंगे तो आप 1.5 राउंड घुमा के स्टीयरिंग व्हील को गाड़ी के टायर सीधा कर सकते हैं। अब उस पर कन्फ्यूजन का भी एक चीज़ ये हो सकती है कि सपोज दैट कि एक ऐसे भी पॉइंट आता है जहाँ पे यही पोजिशन वापस फिर से आ जाता है ये, लेकिन आपको अब ये लगे कि नहीं टायर तो अब सीधे होने चाहिए, तो इस पोजीशन पे भी गाड़ी के टायर तिरछे हो सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आएगा आपको। तो इसके लिए आपको वही करना होगा, जब आप कार पे बैठे तो आप किसी भी साइड पे चाहे लेफ्ट चाहे राइट पे इसको वापस से एक बार घुमा दें, जैसे कि मैं लेफ्ट साइड पे इसको घुमा दी, ताकि वापस से जब आप 1.5 राउंड काउंट करेंगे तो अगेन टायर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये फिर से देखिए हाफ राउंड, ये फुल 1 राउंड और ये 1.5। तो आप देख सकते हैं टायर फिर से सीधे हो गए। तो ये मेथड था गाड़ी के अंदर बैठे बिना गाड़ी के टायर्स को देखे आप स्टीयरिंग व्हील की मदद से गाड़ी के टायर को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों की टेक्निक कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो आपके लिए यूजफुल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।